नीमा एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। सो आज मैं करने वाली हूँ लिविंग ऑन जस्ट ₹50 फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। तो मुझे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो कुछ भी खाना है वो ₹50 के अंदर ही खाना है। मेरे पास सिर्फ ₹50 होंगे। आज का पूरा मुझे दिन सिर्फ ₹50 में ही गुजारना है। मीन्स तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन लेट्स सी मैं इसको कैसे कर पाती हूँ एंड भूखी तो नहीं रह जाऊँ कहीं। मैं ये चैलेंज कैसे करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी सोच सोच कर कि क्या खाऊंगी, क्या मिलेगा इतने कम पैसे में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मतलब एक दो वक्त का खाना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन चार वक्त का खाना कैसे चलेगा। डिनर के लिए मैं कुछ पैसे बचा पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चलो अपना दिन स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत जोर की भूख लगी है, मॉर्निंग का वक्त है तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने मंगाया है दिस, ये ब्रेड एंड टी, छोटे साइज वाला ब्रेड है आप देख सकते हो। ये मेरा ब्रेकफास्ट इससे आराम से हो जाएगा एंड काफ़ी टाइम तक मेरा पेट इससे भरा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका प्राइस पड़ गया मुझे ₹6। इसके साथ बटर भी है एंड मैंने ₹4 की चाय मंगाई है। एज यू कैन सी ₹4 की चाय है, बहुत कम दिया है इन्होंने ₹4 में। चलो हम लोग ये खा लेते हैं फटाक से क्योंकि बहुत जल्द भूख लगी है। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, इट्स टोटली फ्री। एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है और एक एक लाइक भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी मुझे जान पाए। तो आप मुझे बताओ, आप इसको ऐसे ही नॉर्मली पहले खाते हो फिर चाय पीते हो या इसको डिप करके खाते हो? हाँ मुझे चाहिए ऑनेस्ट आंसर। तो मैं तो डिप करके खाती हूँ। तो मैं हर की चाय की बात ही अलग होती है। शायद पहला और लास्ट कप है इस दिन का। मेरा टमी बिल्कुल भर चुका है और अब मैं काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे रह सकती हूँ और तब तक सोच सकती हूँ कि मैं लंच में क्या खाऊँ जिससे मेरा पेट भी भर जाए और उसके साथ साथ मैं कुछ पैसे बचा लूँ जिससे मैं डिनर कर पाऊँ, क्योंकि रात में तो डिनर करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे लंच टाइम पे। नाउ दिस इज लंच टाइम एंड आज पता है क्या हुआ, आज बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ है। आज ही मैं चैलेंज कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मैं बहुत ना सोच रही थी कि मैं क्या खाऊंगी लंच में क्या खाऊंगी, फिर अचानक मेरी नेबर ने मेरे लिए करी राइस भेज दी है। मैं मतलब बता नहीं सकती राइस की ये, मतलब आप लोग सोचोगे कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ एंड मैंने सोच समझ के ये सब किया या फिर ये मेरे घर का खुद का बना हुआ है। नहीं गाइज, ये करी मैं जानती भी नहीं हूँ कि ये कौन सी करी है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो उसको ट्राई करके देखो, उसको टेस्ट करके देखो कैसा बना है। तो वो बहुत प्यार से लेकर गई और मैं मना नहीं कर पाई एंड मेरे लंच का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। मेरे ₹1 भी खर्च नहीं हुआ लंच में एंड इतना टेस्टी लंच मुझे मिल गया एंड लेट्स ट्राई ये कैसा बना है। तो सो थैंकफुल टू हर एंड थैंक गॉड कि मुझे आज लंच मिल गया। तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा है। मुझे नहीं पता ये क्या है, इसकी स्मेल जो है वो थोड़ा, इसका स्मेल सांबर टाइप है लेकिन उन्होंने बोला कि ये सांबर नहीं। तो लेट्स जस्ट ट्राई, मैं चावल के साथ इसको मिक्स करके खाती हूँ। आई डोंट नो, आप देख सकते हो कि मैं इसको खा लेती हूँ। तीखा है और बिल्कुल सांबर जैसा टेस्ट इसमें नहीं है एंड इसमें ये देखो ये जो है ना वो बेसन के पकौड़े जो होते हैं ना, तो फुलौरी भी कहते हैं वो है। इसमें कड़ी पत्ता है, दही है, आई डोंट नो क्या है, मैं पहली बार ट्राई कर पाई। तीखा है बट टेस्टी है गाइस।
सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मेरा लंच हो चुका है एंड बहुत तीखा लग रहा है। मैं पानी पीऊंगी वीडियो को बंद करने के बाद। मेरे ब्रेकफास्ट में 10 रुपए खर्च हुए थे, इसमें मेरे 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं, तो मतलब मेरे पास 40 रुपए है जिससे मैं स्नैक्स करूंगी और मैं डिनर भी करूंगी, वो भी बहुत कम है। स्नैक्स आपको पता नहीं मैं स्नैक्स में क्या खाने वाली हूँ, बट मुझे डिनर के लिए अच्छा खासा अमाउंट सेव करना पड़ेगा। सो मैगी विल बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वो 5 रुपए में हो जाता है, लेकिन मैं मैगी नहीं खाने वाली क्योंकि मैगी का मैंने कुछ दिन पहले चैलेंज वीडियो बनाया था, 24 आवर्स चैलेंज बनाया था। मैं कुछ दिन तक तो मैगी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, उसके बदले मैं कुछ और कम चीज़ मतलब कोई छोटा चीज़ खा लूँ। अब मैं आपसे राय भी मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम पे। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर स्नैक्स एंड स्नैक्स के लिए मैं चाहती थी कि मैं कम से कम पैसे खर्च करूँ ताकि डिनर में मैं कुछ अच्छा खा पाऊँ। सो मैंने स्नैक्स के लिए मंगवाया है पहले जो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, एंड इससे मेरा पेट तो नहीं भरने वाला बट एटलीस्ट मेरा मन ज़रूर भर जाएगा। ब्रेकफास्ट में मैंने 10 रुपीज़ खर्च कर दिए थे और लंच तो मेरा फ्री में हो गया था, बिल्कुल 1 रुपए खर्च कर दिए, तो अब मेरे पास बचे हैं 35 रुपीज़ अभी तक, मींस डिनर के लिए 35 रुपीज़ है। देखते मैं 35 रुपीज़ में क्या डिनर करती हूँ। और गाइस, नेक्स्ट आप कौन सा चैलेंज देखना चाहते हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। सिर्फ आलू और चावल लेकर आई हूँ, उसके साथ सैलड लेकर आई हूँ, तो मैं अपना डिनर अब करती हूँ। डिनर आलू चावल एंड कुछ सैलड यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। सो मैं अब जल्दी से सुखा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो पेट भरने के लिए यही काफ़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मेरा ब्रेकफास्ट डिनर अब कंप्लीट होता है, डिनर हो चुका, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। आई एम सो थैंकफुल कि 50 रुपये मेरा डे बीत चुका है। हाँ, बस लंच में मुझे हेल्प मिल गई थी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हेल्प मिले। सो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ऐसी ही वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो मैं कोई और चैलेंज करूँ तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर करूँगी। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, बाय गाइज़।